好好。वेलकम बैक टू इंडिया, दिस इज दड़का, दिस इज रवि शर्मा, यूट्यूब के आपके अपने फंडे जी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन देसी तड़का पर। मैं हूं रवि शर्मा, आपके अपने यूट्यूब के पंडित जी। इस बारी हम आए हैं तीर्थराज पुष्कर में। इस वक्त मैं खड़ा हूं सरोवर पर, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं पुष्कर की 60 रुपए की पेट भर के थाली। उसके पहले इस बारी से पंडित जी एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत आपको वहाँ की जानकारी भी शेयर करनी चाहिए, ऐसा मुझे फील हुआ, आपके कमेंट्स के द्वारा मुझे मालूम चली। तो पहले पुष्कर सरोवर, ब्रह्मा मंदिर, यहाँ के कुछ मार्केट के शॉट्स वगैरह दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद में हम खाने के लिए चलेंगे पुष्कर के माहेश्वरी सेवा सदन की खास थाली, भर पेट करके थाली। तो आइए चलते हैं। दोस्तों पंडित जी इस समय खड़े ब्रह्मा मंदिर के एकदम नीचे, और ब्रह्मा मंदिर में लगभग हर समय भीड़ लगी रहती है। ब्रह्मा मंदिर का खुलने का समय था सुबह 4 से दिन की 1:30 बजे तक, 1:30 से 3 बजे मंदिर रहता है बंद, और फिर 3 से शाम की 8-8:30 बजे तक खुला रहता है। तो अगर आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो इस समय का जरूर ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मा मंदिर के नीचे काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई है जहाँ पर आप ब्रह्मा मंदिर के लिए प्रसाद, फूल माला वगैरह ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर लीजिएगा, और उसके बाद में मंदिर के दर्शन करने के लिए जाइएगा। तो ये चलते हैं ब्रह्मा जी के दर्शन करने, उसके बाद हम चलेंगे महेश्वरी भवन, जहाँ पर खाएंगे क्या, पुष्कर की थाली। बोलो पुष्कर राज महाराज की जय हो। और ये है लगभग ब्रह्मा मंदिर का मार्केट, जहाँ पर आप आए, और हर समय यहाँ पर काफी सारी भीड़ लगी रहती है, तो जब भी आए तो समय का ध्यान अवश्य रखिएगा। यह है पुष्कर राज का पुराने रंगजी का मंदिर, जहाँ के दर्शन करना है अगर आप पुष्कर आते हैं तो मस्ट कंपलसरी है यहाँ का दर्शन करना। दोस्तों ये है नया रंगजी का मंदिर, जो कि बांगड़ समूह के द्वारा स्थापित किया गया है। लगभग 75 साल पुराना ये मंदिर, अपने यहाँ के पुष्कर के मुख्य मंदिरों में से एक मंदिर गिना जाता है। और अभी यहाँ पर श्रावण के भगवान के झूले चल रहे हैं, शाम के वक्त यहाँ पर यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। अभी पंडित जी थोड़े समय से जल्दी आ गए हैं, इसलिए अभी मंदिर के पट लगे हुए हैं, नहीं तो आपको शाम का नज़ारा भी देखने को, बहुत शानदार नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे माहेश्वरी सेवा सदन के बारे में आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर खाने की जो प्राइस है
बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, एक तरह से सेवा है। उसके अलावा यहाँ पर आप आकर के रुक सकते हैं, रूम की हर प्रकार की रेंज आपको यहाँ पर, सादा रूम भी है, कूलर वाला भी है, एसी भी है, हर तरह का रूम अवेलेबल है। उसके अलावा ख़ास बात यहाँ की ये है, इट्स अ वेडिंग हब। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर के शादियाँ करते हैं, शादियों के यहाँ पर ग्राउंड्स में आपको दिखाता हूँ, और आए दिन यहाँ पर कथाएँ भी होती रहती है। वृद्धाश्रम यहाँ पर है, यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, जहाँ पर आपको फ्री दवाएं भी वितरित की जाती है। तो आइए चलते हैं, हम खाते हैं यहाँ की थाली। सर एक थाली का क्या रेट है? 60 रुपये। चलिए आप, हम दो बंदे हैं, दो दीजिए। तो खाना खाने के पहले, शुरुआत करने के पहले, जीरे साबुन पानी हाथ धोया जाए, और उसके बाद में भोजन किया जाए। खास बात यहाँ पूजा आपको करनी है, आप शूज के साथ में अंदर अलाउ नहीं है। तो हम लगभग सारे आइटम्स में आपको बताऊंगा भी क्या क्या आइटम इसमें आया है। और आप हैं अखिलेश जी शर्मा, जो यहाँ पर ये सारा अन्नपूर्णा भोजनालय यहाँ पर चलाते हैं, और मैं इनसे ही जानकारी लूँगा क्या क्या आइटम आज इन्होंने लाए हैं। सर क्या क्या आइटम इसमें? ये एक तो आलू छोला है। ये आलू छोला? हाँ। मिर्ची टमाटर है। ओके। और फूल गोभी आलू दाल और रायता। रायता। चावल। सलाद। नींबू। पापड़ और रोटी। मिस्सी रोटी भी है। ठीक है सर, एक मैंने यहाँ पर आपके देखा, रोज वार के हिसाब से अलग अलग मेन्यू बनता है आपका? डेली अलग मेन्यू, अलग शाम वाला। तो मेन्यू यहाँ पर डे के हिसाब से अलग अलग होता है। मैं यहाँ का आपको मेन्यू बताने जा रहा हूँ, अगर आप आते हैं तो लेट्स सी। अब पंडित जी स्टार्ट कर रहे हैं, और स्वाद कैसा है ये भी मैं आपको इसके खाने के बाद ही बता पाऊंगा। मित्रों, जब आप भोजन करने बैठे तो गौ माता का यज्ञ अर्थात गौ ग्रास निकालना कभी ना भूलें। तो पंडित जी स्टार्ट कर रहे हैं, और ये भोजनालय वालों ने आज तो विशेष रूप से मीठा भी बनाया, तो ये भी। तो गौ माता की सेवा अवश्य करते रहें आप जहाँ भी हो, गौ माता की सेवा वेरी इम्पोर्टेंट है। स्वाहा ओम भूतानां पतये स्वाहा ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। वेल, पंडित जी सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीठे की, तो मीठे से शुरुआत करते हैं। हाँ, ये आइए पापड़ चूरी। कैसा लगा स्वाद है? दाल बादाम का शीरा है ये। दाल बादाम का शीरा, क्या बात है। ये आज विशेष रूप से पंडित जी के लिए बना है, और यहाँ पर कोई कथा चल रही है। महेश्वरी मंदिर के बारे में बताता हूँ आपको, यहाँ पर दुनिया भर की कथाएँ होती है, उसके साथ में यहाँ पर शादियों का माहौल लगभग पूरे 12 महीने बना हुआ रहता है। मैडम आप कहाँ से? हम तो वैसे गाँव खबला है हमारा, रहते हैं इचल गंज। हम आते तब हमारे गाँव में रहने की व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन हमको मन ये पुष्कर में लगता है यहीं पर रहते हैं। क्या बात, आने के लिए वायदा आते हैं। देखिए
साथ में इन्होंने दिए हैं आज मुझे खास रूप से केर सांगरी, जो राजस्थान की सबसे फेमस सब्जी होती है। सर आप कहाँ से? मैं जयपुर से आया हूँ, वैशाली से, और मुझे यहाँ पास में ही कमरा मिला है रहने के लिए। और जब मैं वृंदावन गया था तो जिस आश्रम में मैं था उसके पास ही महेश्वरी धर्मशाला में मैंने प्रसाद पाया था, इस्कॉन मंदिर के पास। तो उससे मुझे यहाँ पे भी किसी ने रेफर किया, यहाँ पे भोजन प्राप्त कीजिए। सर खाना कैसा लगा आपको यहाँ का? खाना अच्छा लगा और बिल्कुल इंडियन टेस्ट है और मारवाड़ी टेस्ट है। आज महेश्वरी सेवा सदन का जो थाली खाई है 60 रुपये वाली थाली, बहुत ही सात्विक भोजन, बहुत ही पौष्टिक भोजन, मतलब भोजन करने के बाद में आपको ऐसा आराम फील होना चाहिए कि पेट भारी नहीं हुआ, दैट हैपेंड हियर। तो अगर आप पुष्कर आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, पुष्कर के माहेश्वरी सेवा सदन में आइए, 60 रुपये का कूपन लीजिए और यहाँ पर खाना खाइए, एक नंबर का खाना। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा। और अगर इंडियन देसी तड़का पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि पंडित जी के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। ठीक है सर, मिलते हैं नई इंडियन देसी तड़का की यात्रा पर, आइए चलते हैं कहीं और पर।